वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स दिस इज दिव्याशु पांडे फैकल्टी ऑफ जीके एट एसएसबी क्रैक एग्जाम आज की इस डेली डिफेंस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी डिफेंस वॉरियर्स का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लगातार इस क्लास से जुड़ते जाइए जिससे कि इंपॉर्टेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स डिफेंस से रिलेटेड आप कवर कर सकें धनंजय अविशा पूरन शौर्य मुस्कान जी धनंजय अनिरुद्ध कुमाऊ रेजिमेंट एनडीए गगनदीप प्रिया आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने इस करंट अफेयर की क्लास की जैसा कि आप सभी जानते हो कि एस एस बी क्रैक एग्जाम इज द इंडियाज नंबर वन ई लर्निंग पोर्टल वेयर वी प्रोवाइड वेरियस कोर्सेस विथ रिलेटेड टू द डिफेंस जहां पर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होके हमारे ऐप में आप उस कोर्सेज की वीडियो लेक्चर्स डेली लाइव क्लासेस स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स आप ले पाते हो वहीं हम आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी देते हैं सिलेबस हमारे बिल्कुल अप टू डेट है ऑफलाइन एक्सेस वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स दोनों की ही आपको मिलती है और मॉक टेस्ट के ज़रिए आप अपनी एक ऑल इंडिया रैंक एनालिसिस का स्कोर ले पाओगे और आप ये जान पाओगे कि अभी आपकी तैयारी कहाँ तक है ये सभी आपके ऑनलाइन के कोर्सेज हैं जैसे एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एन डी एस सी डी एस एफ कैट टेरिटोरियल आर्मी ई सी ए सी 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 ए पी एफ एम एन एस एंड मेनी अदर्स सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं तो अगर मैं बात करता हूँ एफकेट वालों की एक सप्ताह से भी कम आपके दिन बचे हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए एन डी एस सी डी एस वाले भी जितने भी हमारे डिफेंस एक्सपेडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लेकर अपने मॉक टेस्ट को दीजिए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप सभी एस एस बी क्रैक एग्ज़ाम के ब्लॉग चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर विजिट करिए जहाँ से आपको इस क्लास का पी डी एफ मिल जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमसे जुड़ कर हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ कर अपनी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले इस वॉरिट टेन कोड का यूज़ कर लीजिए जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ तो कल मैंने आपको सैटरडे को क्वेश्चन ऑफ़ द डे दिया था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस ओके चलिए फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और आप सभी बताते रहिए और इसके साथ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि आज भी आपकी दस से लेकर एक दो से लेकर पाँच एफ कैट की न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपके जनरल साइंसेस की क्लास भी चलेगी और उसके बाद शाम छः बजे से लेकर रात नौ बजे तक सी डी एस जोग्रफी सी डी एस सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू जोग्राफी की क्लास आपकी आज शुरुआत होगी तो जितने भी सी डी एस वाले स्टूडेंट्स हैं एज़ वेल एज़ एन डी ए वाले भी आज शामिल हो जाइएगा ऐसा नहीं है कि हाँ अगर मैं एन डी ए कर रहा हूँ तो एन डी ए में सी डी एस में नहीं आऊँगा अगर मैं एन डी ए कर रहा हूँ तो सी डी एस वाले उसमें नहीं आएंगे एन डी ए सी डी एस वाले दोनों ही आज की इस क्लास शाम वाले में आप रहिएगा जिससे कि आप ये देख सकें कि यूपीएससी आपके एग्जाम में जोग्राफी के क्वेश्चन कैसे पूछता है और कै कौन से क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की तो चलिए सभी के आंसर गए हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर है अमेरिकन फोर्स थी वो और भारत की फोर्स थी ठीक है जिनका एक्सरसाइज भारत के आपके हिमाचल प्रदेश में आपका चल रहा है और इस एक्सरसाइज का नाम है आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज ठीक है और कल ये खत्म भी हो चुकी है तो ये थी आपकी वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो कि इस बार भारत के हिमाचल में आपकी चल रही थी तो अमेरिकन फोर्स और भारत दोनों की फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस पैरा फोर्सेस इसमें शामिल थी तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की अपने पहले इवेंट के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंक्लूड मैरिटाइम एक्सरसाइज नियर पर्थ पर्थ कहां पर है ऑस्ट्रेलिया में है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आपका मैरीटाइम पेट्रल एक्सरसाइज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो चल रहा था दोनों देशों की नेवी के बीच में आपके सैटरडे को उसका समापन हो गया है इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना की आइनस सुमेधा ने आपका पार्टिसिपेट किया और ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से उनकी एच एम एस ने इस आपके एक्सरसाइज में भाग लिया जिससे कि दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और टैक्टिकल ऑपरेशन की जो ज्वाइंटनेस है वो काफ़ी बढ़ पाएगी इंडियन नेवीज आइन सुमेधा वज डॉक एट पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया टू सेलिब्रेट इंडिया सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे ऑन द मंडे तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंडियन नेवी की तरफ से विश्व के टोटल सेवेंटी सिक्स लोकेशन पे इंडियन नेवी की शिप्स आपकी भेजी गई हैं जहाँ पर आपके आइन सुमेधा भी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में गई हुई थी वहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया साथ ही साथ एम पी एक्स एक्सरसाइज मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ उन्होंने कंडक्ट किया अगर हम बात करते हैं आइनस सुमेधा की तो आइनस सुमेधा एक स्वदेश निर्मित ऑफशोर शोर पेटल रिसल है जिसको मल्टीपल रोल्स के लिए आपका विश्व के तमाम देशों के पास भेजा जाता है शी इज द पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट बेस्ड फंक्शंस अंडर द कमांड ऑफ अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड यानी कि अगर हम इसका होम पोर्ट देखें तो आंध्र प्रदेश के में इसका होम पोर्ट है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में यह अपना वयाज करने के लिए गई थी जहां पर उसने एक्सरसाइज भी किया अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है इस साल जो आपकी एम पी एक्स एक्सरसाइज हुई है एम पी एक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो दो देशों के बीच इंडियन नेवी ने किया है एक तो आपका जापान के साथ किया था और इस महीने अगस्त 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ किया दिस एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज तो ये भी आपको पता रहना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में आप सभी जान रहे हो पिच ब्लैक एक्सरसाइज पिच ब्लैक भी आपका कंडक्ट हो रही है जो कि एक प्रकार की मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है चलिए नेक्स्ट इवेंट ओशियन सेलिंग एक्सपेडिशन ऑन आई एन एस एल बी तरणी टू मॉरिशस तो देखिए कमोडोर संजय पांडा कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस मंडोवी के नेतृत्व में गोवा से हमारा एक आपका आ, एक, सेलिंग एक्सपेडिशन आपके मॉरिशस की तरफ गया हुआ है जहां पर आईएनएस तरणी जिसमें तीन महिला ऑफिसर्स भी शामिल हैं वो इस एक्सपेडिशन को 20 अगस्त को इन्होंने जारी किया है ये जो आपका सेलिंग एक्सपेडिशन होगा वो समुद्र में लगभग बीस से लेकर इक्कीस दिन तक आपका चलेगा जहाँ पर आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आपके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा आप सभी जानते हो कि जो भी हमारा सेलिंग एक्सपेडिशन होता है उसमें काफ़ी लंबे दिनों तक ये समुद्र यात्रा की जाती है जिसमें हमारी नेवी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या फिर महिला ऑफिसर्स होती हैं वो प्रतिभाग लेती हैं द इंडियन नेवी हैज सिक्स ओशियन गोइंग इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स आई एन एस एल वी का आई एन एस वी का फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तो ये भारत में टोटल सिक्स हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं आइनस महादेई आइनस तरणी जो कि अभी मॉरिशस की तरफ गई हुई है आइनस बुलबुल आइनस हरियल आइनस कादलपुरा और आइनस नीलकंठ ओके तो ये सभी आपके ऐसे शिप्स हैं जिनको एक्सपेडिशन भेजा जाता है आप भी जब इंडियन नेवी में जाएंगे और अगर आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का मन रहता है तो आप भी अपने आप को इस एक्सपेडिशन में देख पाएंगे ओशन सेलिंग इज एन एक्सट्रीमली टफ एंड टफ एडवेंचर स्पोर्ट दिस ओशन सेलिंग एक्सपेडिशन हेल्प इन इनकलकेटिंग स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इनहेंसिंग रिस्क टेकिंग एबिलिटीज शियल शिपमैनशिप स्किल इंक्लूडिंग द नेविगेशन कम्युनिकेशन टेक्निकल ऑपरेशन ऑफ इंजन ऑन बोर्ड मशीनरी ऑपरेशन तो ये सभी आपके शामिल रहते हैं अब मान लीजिए आपको आइनस तरणी अगर मैं दे देता हूँ या फिर इंडियन नेवी देती है और आपके क्रू मेंबर्स मान लीजिए छः हैं ओके और आपको बीस दिन की यात्रा करनी है अब बीस दिन में आपको क्या क्या जरूरत होगी सबसे पहला कम्युनिकेशन की कि आप अपने होम पोर्ट बेस के साथ लगातार चौबीसों घंटा कम्युनिकेट कर सकें दूसरा लॉजिस्टिक की खाना वाना आप खा सकें आपके पास पर्याप्त पेट्रोल डीजल हो जिससे कि आपकी शिप चल सके ओके अब आप कहेंगे सर 20 दिन का पेट्रोल लेके कौन चलता है बिल्कुल सही बात तो हम जो रूट आपका फॉलो करेंगे एक ऐसा रूट फॉलो करेंगे जिससे कि हम अपने जो हमारे ने फ्रेंड, नेब, फ्रेंड नेबर कंट्रीज़ हैं ओके फ्रेंड्स नेबर्स हैं वहाँ पर जाके हम पेट्रोल रिफ्यूल करा सकें इसके अलावा टेक्निकल अगर कोई खामी आ जाती है आपके शिप में तो आप खुद से उसको बना सकें नेविगेशन बेहतर तरीके से कर सकें और आपको पूरे रूट की अच्छे तरीके से जानकारी हो ये तो हो गया टेक्निकल आस्पेक्ट लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया तब आप क्या करोगे तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आप में से काफ़ी स्टूडेंट हो सकता है कॉमर्स के भी हों तो एक कॉमर्स में में कहा जाता है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट तो जितना आप रिस्क लेंगे उतनी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो सकेगी और आप लहरों से पार लगा के अपने नौका को किनारे ले आ पाएंगे अगला इवेंट जी आर ई दैट इज ग्रीन ग्री गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मेकिंग सेवन वेसल्स फॉर फॉरिन कंट्रीज तो भारत की जो कोलकाता की आपकी जी आर एस सी लिमिटेड कंपनी है वो विदेशी कंपनियों के लिए टोटल सात आपके वेसल्स बना रही है ओके okay? तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जी आर एस सी लिमिटेड इज मेकिंग सेवन वेसल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री शिप्स दैट आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऐसी जानकारी इनकी सी एम डी कमडोर पी आर हरी ने दी है जो इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको इनका सीएमडी बना दिया जाता है और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है टोटल ट्वेंटी थ्री शिप्स आपके जी के द्वारा बनाया जा रहा है जिसमें सात शिप्स आपकी फॉरेन कंट्रीज़ को दी जाएंगी जी आर एस सी विच हैड बेक द प्रिस्टीजियस ऑर्डर ऑफ नाइन्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी फोर करोड़ रुपीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री एडवांस स्टील फाइटर्स फ्रिगेट्स अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेवनटीन ए तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए पहला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट सेवनटीन ए को कौन सी कंपनी बना रही है तो आपका आंसर होगा इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड बना रही है दूसरा क्वेश्चन जो आपका प्रोजेक्ट सेवनटीन ए है उसमें टोटल कितने आपके शिप्स का डेवलपमेंट करना है मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो टोटल तीन शिप्स की और तीसरा क्वेश्चन ये जो प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए है उसकी लागत कॉस्ट कितनी आ रही है तो उसकी लागत लगभग उन्नीस हजार करोड़ रुपए आ रही है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनेंगे हैज ऑलरेडी लॉन्च टू ऑफ द थ्री एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड वन इज गोइंग ऑन तीन में से दो आपकी बन चुकी है उसको कमीशन भी करा दिया गया है और तीसरी प्रकार तेजी से चल रहा है द कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर इज वॉर शिप मेकर बोर्ड फॉर द बांग्लादेश अब सात में से छह आपकी शिप्स बांग्लादेश के लिए बनाई जा रही है और बाकी एक जो कार्गो फेरी वेसल है उसको हम गुयाना के लिए बना रहे हैं तो देखिए आप देख रहे हो चाहे एयरफोर्स में हो एचएल की तरफ हो इंडियन नेवी या आर्मी की तरफ हो हम सिर्फ आपका इंपोर्ट नहीं करते हैं। बल्कि मैन्युफैक्चर और डेवलप करके दूसरे देशों को एयरक्राफ्ट्स और वेसल बेचा भी करते हैं जी विच हैज सो फॉर डिलीवर्ड वन हंड्रेड सेवन वॉरशिप्स विद द मेडन आइनस अजय इन नाइनटीन सिक्सटी वन बींग्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड वारशिप्स कंपनी अब जी आर एस सी की शुरुआत सबसे पहली बार नाइनटीन सिक्सटी वन में की गई थी जब इन्होंने उन्नीस सौ इकसठ में पहली बार आइनस अजय को आइनस अजय जिसको आप देख पा रहे हो अब तो डी कमीशन हो चुका है इसको इंडियन नेवी को दिया था और अभी तक टोटल इन्होंने वन हंड्रेड सेवन वॉरशिप्स आपके बना चुके हैं और ये बताता है कि कंपनी पिछले 28 सालों से आपकी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वो भी डिफेंस सेक्टर की जो कि सरकारी कंपनी है अगला आपका इवेंट हमारे भारत और अमेरिका से रिलेटेड है और यह आपका एक इंटरनेशनल इवेंट है इंडिया इन एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स विथ अमेरिका फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एम क्यू नाइन बी ड्रोन्स तो देखिए भारत अब एडवांस स्टेज में आ गया है जिससे कि भारत और अमेरिका की बात इस एम क्यू नाइन बी प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स को लेकर चल रही है और माना जा रहा है कि काफ़ी जल्दी इस पर आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनलाइज हो जाएगी भारत अमेरिका से टोटल आपके तीस ऐसे प्रीडेटर ड्रोन्स को लेगा जिसकी लागत थ्री बिलियन यूएस डॉलर आपकी आएगी थ्री बिलियन यूएस डॉलर आएगी और इस प्रकार के ड्रोन्स को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि आपका चाइना से सटा इलाका है वहां पर हम इसको डिप्लॉय करेंगे द लॉन्ग इंडोरेंस हंटर किलर ड्रोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस फॉर थ्री सर्विसेज एज दे कैन कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम सर्वेलेंस एंटी समरीन वॉरफेयर ओवर द हॉरिजोन टारगेटिंग एंड हिटिंग स्टेशनरी ग्राउंड टारगेट्स तो तीनों फोर्सेस के लिए ये अलग अलग बनाया जाता है जहां पर ये मैरीटाइम सर्विलांस भी कर सकता है एंटी समरीन वॉरफेयर और हॉरिजोन से यानी कि आपका आसमान से ही किसी भी स्टेशनरी या फिर मूवेबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने में सफल है अब इसका एक सबसे सक्सेसफुल रेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि जो आपका अलकायदा का एक चीफ था जिसका नाम आयमान अल जवाहरी था उसको अमेरिका के फोर्सेस के द्वारा काबुल में पिछले मंथ यानी कि आपका जुलाई में इसी प्रीडेटर ड्रोन्स जिसका नाम एम क्यू नाइन बी है उसी से मार गिराया गया था और उसने सबसे आपका स्पेसिफिक हिट करते हुए उसको मारा था इससे हमको ये पता चलता है कि ये सबसे बेहतरीन सबसे मॉडिफाइड आपका एक ड्रोन सिस्टम है जिसमें आपकी हम हेल फायर मिसाइल आसानी से लगा सकते हैं और ये भारत को और भी आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इन द ईयर ऑफ 2020 इंडियन नेवी हैड टेकन ऑन लीज टू एम क्यू एन वी सी गार्डियन ड्रोन फ्रॉम द जनरल एटॉमिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर फॉर सर्वेलेंस इन द इंडियन ओशियन द लीज पीरियड हैज़ बिन एक्सटेंडेड सब्सिक्वेंटली यानी कि इंडियन नेवी ने वर्ष 2020 में जब भारत और चाइना के बीच गलवान वैली का आपका एक छोटा सा क्लैश हो गया था उसके बाद इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन पे आपका सर्वेलेंस करने के लिए जर्नल अटोमिक्स कंपनी जो कि अमेरिका की है उनके साथ एक साल की लीज मांगी थी उन्होंने दिया भी था और इस लीज को हमने एक साल और एक्सटेंड कर दिया है और भारत चाहता है कि अब हमारे खेमे में टोटल आपके तीस एम क्यू नाइन बी प्रिडेटर्स के ड्रोन शामिल हो जाए जिसमें आपकी हेल्प फायर मशीन लगी रहे चलिए अगला इवेंट इंडियन डिफेंस फोर्सेस टू गेट इमरजेंसी पावर टू एक्वायर क्रिटिकल वेपन सिस्टम तो आपकी कल ही खबर आई है कि भारत जो आपका एक एमरजेंसी पावर मांगना चाह रहा है हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भारत सरकार से चाहती हैं कि हमको आप इमरजेंसी पावर दे दीजिए जिससे कि जो क्रिटिकल वेपन्स हैं उनको हम ऐसे टफ सिचुएशन में दूसरे देशों से खरीद सकें अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है तो देखिए इसकी ज़रूरत हमको वर्ष 2020 में लग गई थी क्योंकि जब गलवान वैली में भारत और चाइना के बीच आपका 15 मई को क्लैश हुआ था उसमें क्या हो गया था कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई थी कि हम अपने इंडियन एयरफोर्स को और भी मजबूत करें और इस कारण से भारत सरकार के द्वारा तैतीस हज़ार करोड़ रुपए की ला की डील आपकी रशिया से की गई थी जिसमें हमने उनसे टोटल थर्टी थ्री फाइटर जेट्स मंगाए जिसमें आपका बारह सुखोई थर्टी था रेस्ट ऑफ आपका मिक ट्वेंटी नाइन शामिल था अब आप जानते हो कि हमको एक साथ अमेरिका एक साथ चाइना और एक साथ पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडियन एयर फोर्स को टोटल फोर्टी टू की जरूरत पड़ती है लेकिन अभी हमारे इंडियन एयर फोर्स में लगभग ट्वेंटी एट से लेकर ट्वेंटी नाइन ही स्क्वाडन शामिल हैं हर एक स्क्वाडन में एटीन एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं ओके तो हमारे पास संख्या तो काफ़ी कम है अगर कल को युद्ध हो जाता है तो हमको तो फिर डील करनी पड़ेगी और ऐसा तो रहता है नहीं कि तुरंत आपका कोई भी सामान भारत में आ जाए और आन फोर्सेस को ऐसा आपका अभी तक आ, पावर्स इमरजेंसी पावर नहीं दी गई है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में जल्द आपका इमरजेंसी पावर दे दी जाएगी द पावर्स विच वर फर्स्ट ग्रांटेड टू डिफेंस फोर्सेस पोस्ट डूरी सर्जिकल उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इन 2016 ड्यूरिंग द हाई टेंट टेंशन विथ पाकिस्तान हैव बिन हेल्पफुल इन टैकलिंग द मिलिट्री स्टैंड ऑफ विच विथ चाइना सिंस मे 2020 ट्वेंटी तो उड़ी में उड़ी जो अटैक हुआ था उस समय भी भारत सरकार ने इनको इमरजेंसी पावर दी थी लेकिन अब हमारी आर्म फोर्सेज चाहती हैं कि परमानेंट हमको जो है आर्म फो ये क्रिटिकल इमरजेंसी पावर दे दें जिससे कि अगर ऐसी कोई समय आता है तो हम आसानी से दूसरे देशों के साथ वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट करके इन सब टाइप्स की डील को कंडक्ट कर सकें अपने एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी एस क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो सकते हैं जहां पर आपको डे फर्स्ट से लेकर डे फिफ्थ तक की सभी टेस्टिंग प्रोसीजर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा समय आ गया है रिव्यू क्वेश्चन का सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज दी आइनस सुमेधा इज अ एन डिस्ट्रॉयर ओपीवी समरी या फिर टैंक एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दोर पेट्रोल वेसल ठीक है यही आपके ऑफ शोर पेट्रोल वेसल अभी जो एम पी एक्स एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कंडक्ट किया था जिसका कलमिनेशन आपका सैटरडे को हुआ था उस एक्सरसाइज में इस आइनस सुमेधा ने आपका भाग लिया था चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आइनस सुमेधा का होम पोर्ट कौन सा नेवल कमांड है विच नेवल कमांड इज द होम पोर्ट बेस ऑफ द आइनस सुमेधा नेक्स्ट क्वेश्चन जी आर एस सी स्टैंड फॉर वॉट तो देखिए जी आर एस सी जो भारत की डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है उसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है क्लास में बने रहिए आप सभी क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाइए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए दैट इज ग्रा गार्ड एन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है और जैसा कि आपने बताया ये कोलकाता में आपकी ये रहती है ठीक है इनका कंपनी है और आईन एस सुमेधा का होम पोर्ट आपका विशाखापत्नम में है मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड अंगोला ओमान ऑस्ट्रेलिया या फिर मालदीव्स एंड द राइट आंसर इज दी ऑप्शन सी ठीक है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इस मंथ के अगस्त 2022 की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है इससे पहले हमने इसी एम के नाम की एक्सरसाइज को जापानीज नेवी के साथ कंडक्ट किया था चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है ये जो आपकी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अगस्त 2022 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने कंडक्ट किया है इसको कहां पर आपका इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था उस प्लेस का नाम आपको बताना है प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी या फिर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सभी के आंसर आने चाहिए दो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछे हैं कि एमपीएक्स एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट हुई है और दूसरा जो आपके सामने दिख रहा है प्रोजेक्ट सेवेंटी ने इज रिलेटेड टू वेरी गुड एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज द इंडियन नेवी ठीक है जिसको कौन सी कंपनी बना रही है जी आर ए सी बना रही है इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल तीन आपके हमारे शिप्स बन रहे हैं जिसमें दो शिप्स आपके बन चुके हैं सूरत और उदयगिरी और आपका तीसरा पर काम चल रहा है और अभी जो मैंने आपका क्वेश्चन पूछा था कि एम पी एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आपकी कंडक्ट हुई है ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज आपकी हो रही है पिच ब्लैक एक्सरसाइज हो रही है वो कहाँ पर हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रही है डार्विन थ्योरी आपने क्लास नाइन टेंथ में पढ़ी होगी ठीक है उसी से रिलेटेड है सागर स्टैंड फॉर सागर भारत सरकार का जो आपका प्रोजेक्ट है उसका फुल फॉर्म इनमें से क्या है आप सभी को बताना है and the right answer of this question is the option C security and growth for all in the region. इस प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2015 में करवाई गई थी भारत सरकार के द्वारा जिसका मेन मकसद सबसे पहला तो ये है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके और जितने भी चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री हो अरब खाड़ी वाले कंट्री हो या फिर साउथ ईस्टर्न एशियन हों इनके साथ हम एक ऐसा सहयोग बना सकें जिससे कि हमारा ट्रेड भी बढ़ सके और हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती वो भी काफ़ी इंप्रूव हो सके एम क्यू नाइन बी प्रीडेटर इज़ अ हेलीकॉप्टर मशीन गन फाइटर जेट या फिर ड्रोन एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी ऑप्शन डी ड्रोन कह लीजिए या फिर अनमैंड एरियल व्हीकल कह लीजिए दोनों बात एक ही होती है ये आपके यूएसए का ड्रोन है ठीक है जिसमें आपकी हेल्प फायर मिसाइल आपकी लगाई जाती है भारत इस ड्रोन टोटल थर्टी ड्रोन्स को खरीदने का प्रस्ताव रख रहा है अमेरिका के साथ अब चलिए आपको बताने जी तो हम तीस ड्रोन्स आपके खरीदेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी उसकी कॉस्ट आपकी कितनी आएगी आप सभी को बताना है अगला क्वेश्चन एम एच सिक्सटी रोमियो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी बोइंग लॉकिड मार्टिंग एच ए एल या फिर इनमें से कोई नहीं निधि एस एस बी की क्लास की जो टाइमिंग होती है वो जब आप हमारे कोर्स में इनरोल होगे तब आपको जो है वो कराया जाता है ठीक है और अलग अलग बैचेस हैं उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है यूट्यूब पर हम उसको नहीं चलाते हैं एस एस बी के कोर्स को एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी दैट इज द लॉकेट मार्टिन ठीक है लॉकेट मार्टिन अमेरिका की कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में देखिए तो नंबर वन पे आपकी बोइंग कंपनी आती है अमेरिका की सेकंड नंबर पे आपकी लॉकेट मार्टिन आती है ms सिक्सटी रोमी जो हेलीकॉप्टर है एक मल्टीपर्पज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जिससे हम सर्वेलेंस भी कर सकते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर ऑल्सो वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द सदर नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी कोची विशाखापट्टनम गांधीनगर या फिर आपका मुंबई बहुत से धनंजय थ्री बिलियन यूएस डॉलर ठीक है जो हम आपके टोटल थर्टी एम क्यू नाइन ड्रोन को अमेरिका के साथ खरीदेंगे उसकी डील आपकी बिलियन यूएस डॉलर की रहेगी एंड द करेक्ट आंसर इज दवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको हम जे एन कहा करते हैं वो कहां पर है कोची विशाखापत्तनम गांधीनगर मुंबई आप सभी जानते हो कि देर आर टोटल टू हंड्रेड मेजर एंड माइनर ट्रस्ट पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया इन विच जी एन पीट इज ऑल्सो मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन द मुंबई ठीक है नवा पोर्ट की तरफ आपका ये लोकेटेड है भारत का एक सबसे बड़ा पोर्ट है और यहाँ पर जो भी आपके कार्गो आते हैं सबसे ज्यादा अफ्रीका और आपके अरबीन खाड़ी देशों की तरफ से आते हैं वादूज इज द कैपिटल ऑफ लिंटनस्टाइन कतर लिथुआनिया या फिर आपका मालदीव्स एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लिंचाइन तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ठीक है ऑस्ट्रिया सोलोवानिया कैज रिपब्लिक डेनमार्क बेल्जियम और फ्रांस से सटा आपका ये लिंचन्टाइन देश है काफी छोटा है यूरोप का ठीक है जिनकी कैपिटल क्या है बाद चलिए अगला क्वेश्चन और मेरी तरफ से तो ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि आपके सी डी एस और एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा और बच्चों ये सी ए पी एफ़ के एग्ज़ाम में आ चुका है ठीक है पॉसिबिलिटी क्या ये आ भी चुका है यूपीएससी इसको दे भी चुकी है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट आई टू यू टू पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको आई टू यू टू में इनमें से कौन सी कंट्रीज़ आपकी आती हैं and the right answer is the option C I I means आपका क्या हो जाएगा भारत ओके okay? आपका क्या हो जाएगा एक तो अमेरिका हो गया आपका दूसरा आपका क्या हो गया यू ए हो गया ठीक है तो ये एक प्रकार का क्वाड बना रहे हैं ना और ये क्वाड क्या रहेगा अब कितने क्वाड बनेंगे इस क्वाड से चाइना की इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में रोकी जाएगी और ये चारों देश अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे और सेंट्रल एशिया को अपना मार्केट बनाएंगे लक्ष्य इज़ हेलीकॉप्टर मशीन गन अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर रोबोट एंड द राइट आंसर इज दी इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रोन unmanned aerial एरियल व्हीकल ऑफ द okay ओके सबसे लेटेस्ट आपका बनाया गया है चाहे वो लक्ष्य हो या फिर आपका हीट हो आर्मी एयरबोन ट्रेनिंग स्कूल इज लोकेटेड एट वे पुणे आगरा चेन्नई नोएडा इंडियन आर्मी का एयरबोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है जब आप हमारे पैराशूटिंग करेंगे या फिर हमारे स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी दैट इज द आगरा आगरा उत्तर प्रदेश में आर्मी एयरबोर्ट ट्रेनिंग स्कूल है आपका आपको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी हवा में लटकना रहेगा आपको ओके okay? रेडी है कि नहीं आप सभी इस एडवेंचर को करने के लिए विमेंस इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन महिला इक्वालिटी को क्या कहेंगे महिला समानता दिवस विश्व में कब मनाया जाता है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ट्वेंटी सिक्स ओके तो छब्बीस अगस्त को महिला समानता दिवस पूरा विश्व मनाता है अगला क्वेश्चन है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक इज रिटन बाय होम जे जेके रॉलिंग आकाश रेंसन या फिर मेघना पंत महिला सशक्तिकरण सिवम जो है वेमेन एम्पावरमेंट को कहा जाता है ओके एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आनिद दत्ता ठीक है तो ये भी इनके द्वारा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक आपकी लिखी गई है बी वन बी लांसर इज अ बॉम्बर स्नाइपर राइफल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट राइट आंसर ऑफ दिस का ये ये आपका है। अब ये जो होते हैं, इसको रशिया अमेरिका आपके चाइना और यूके के पास है ठीक है भारत ने अभी ऐसा कोई नहीं बनाया है। इस से हम भारी भरकम बम किसी के ऊपर गिरा सकते हैं यहां तक कि न्यूक्लियर बम गिराने में ये पूरी तरीके से सक्षम होता है और गाइडेड मिसाइल हम नहीं मारते हैं इससे, सिर्फ ड्रॉप किया करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द पैरासअफ इज लोकेटेड एट वेयर चेन्नई बेंगलुरु नागपुर या फिर मुंबई लवी कुमार एनडी की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी आपका क्वेश्चन है तो आप जो यूट्यूब चैनल अभी आप जो पढ़ रहे हो ना उसके होम पे चले जाइए हमने पूरी स्ट्रीमिंग करके रखी हुई है जहां पर आपको एनडीए का दिखेगा वहां उसकी डेट आप नोट कर लीजिए या फिर रिमाइंडर सेट कर लीजिए ठीक है तो आप सभी इतने बड़े हो गए हो एनडी सी डी देना चाह रहे हो ना थोड़ा ऑफिसर वाला आप थोड़ा दिमाग लगाओ आजकल तो क्या होता है सभी लोग क्या करते हैं स्ट्रीमिंग लगा देते हैं फिर आप वहां से दे, जाके देख लीजिए कब कौन सी क्लास चलेगी मान लीजिए अगर आप भूल जाओ तो रिमाइंडर सेट कर दीजिए सो so, ऑप्शन बी कर्नाटक बेंगलुरु में आपके पैरा एस हेडक्वार्टर है बलिदान बैच सबसे इंपॉर्टेंट बैच होता है इनको मरून बैरेट भी कहा जाता है अब आपको बताना है कि जो हमारी पैरासप होती है उनका तो चलिए मोटो बलिदान ही है ठीक है टोटल कितनी पैरा एसअप के रेजिमेंट्स हैं? इसको आपको बताना है रेजिमेंट तो एक कि, ही कितनी उसमें बटालियंस आती हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इन मुंबई कोची गांधीनगर या फिर आपका पणजी चलिए लगातार आंसर देते रहिए साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज लोकेटेड एट वेयर एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी दैट इज द गांधीनगर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड तो यहां पर देख लीजिए गुजरात में गांधीनगर में इनकी क्या है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है बाकी की कमांड्स आप इसमें देख पा रहे हो चलिए गुजरात की बात हुई है तो बता दीजिए कि गुजरात की कैपिटल क्या है वॉट इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट गुजरात एन सिक्स वन वलकन इज अस बैरल गाल्टिंग गन हैवी मशीन गन पिस्टल या फिर आपका रॉकेट एम सिक्स वन वल्कन आपकी इनमें से क्या है सभी के आंसर आने चाहिए गांधीनगर कैपिटल है आपकी गुजरात की और इसका करेक्ट आंसर है आपका सिक्स बैरल गाल्टिंग गन अब देखिए अमेरिका की जो आपकी जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है वो इसको बनाती है ट्वेंटी एम mm की आपकी ये गन है ठीक है यानी कि ट्वेंटी एम mm की इसमें गोलियां आती हैं उतने रेडियस की सॉरी उतने डायमीटर की आती हैं दूसरा इसकी सबसे खास बात ये है कि ये पर मिनट सिक्स थाउजेंड राउंड्स आपकी फायर करती सिक्स थाउजेंड राउंड पर मिनट तो सोच लीजिए मान लीजिए आप ऑफिसर हो आपके सामने दुश्मन है और आपके हाथ में एम सिक्स हथियार है ठीक है तो आप कितनी भारी तबाही मचा सकते हो छह हजार सैनिकों को तो आप एक ही बार में ले डूबोगे अगला ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इज कॉल्ड यम इंद्र या फिर सिम्बेक्स मजा तो आएगा हम सिक्स वल्कन लेके लेकिन मान लीजिए आप सामने खड़े और आपके सामने जो दुश्मन के हाथ में ये गन है तो उसको फिर मजा आ जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायोलेट्रल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है हर साल दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इस आपके सिम्बैक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है एस एस बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी एस एस बी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी इस कोर्स को आप शेयर करिए ठीक है बताइए उनको एस एस बी क्रैक एग्जाम एक ऐसा आपका ई लर्निंग पोर्टल है जो कि आपको डिफेंस स्पेसिफिक आपकी नॉलेज देता है ठीक है और आप सक्सेस रेट तो हमारा देख ही सकते हो और पूरी बेस्ट विशेष हैं हमारी आपके लिए भी कि आप भी अपने रिटर्न एज वेल एज अपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करो तो समय आ गया है क्वेश्चन ऑफ द डे का यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सिस्टम

इन टेस्ट सीरीज़ को आप लगाइए जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर होती जाए इस क्लास की पी हमारे ब्लॉग चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ले सकते हैं और ऐसे बच्चे जो हमारे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं वो सबसे पहले इस वॉरिट एन कोड का यूज़ कर लीजिए जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाएगा थैंक यू